आपके वकील को तो मैं कोर्ट में देख ही लूंगा, और आप भी बाहर ये लोग जो धरने पर बैठे हैं उनसे निपट ही लेंगे। लेकिन ये घर के भक्त जो है उन्हें कैसे निपटाएंगे आप? जय गणेशभूषण बाबा की। भारती, तू क्या घर के विभीषण बन रही है? जा मेरे लिए नींबू शरबत लेके आ जा। बरबर। लेकिन अन्ना, पहले मैं बाबा का प्रसाद बना लूं। चलिए, जय खड़ंग भूषण बाबा की। जय जय। चलता हूँ। ए जय जय। जा अभी, अभी अभी जा। नींबू शरबत लेके आ मेरे लिए। अभी का अभी जा तू। अगवी, बरबर। ये कौन से धर्म संकट में फंस गई हूँ मैं? बाबा मुझे क्षमा कर देना, लेकिन आपका प्रसाद बनाने से पहले मुझे अन्ना के लिए नींबू शरबत बनाना ही पड़ेगा। अगर भाई नाश्ते के लिए जूस भी तो बनाना है। क्या हुआ? अनर्थ हो गया निर्मिति। बाबा के प्रसाद बनाने से पहले अन्ना के लिए नींबू शरबत बनाने गई और नींबू भी खून की आंसू रोने लगा। निर्मिति क्या वहिनी? पहले तो ये बताइए कि खून के आंसू का इशारा ऐसे कैसे? अरे हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं, हाँ। तो वो लोग हमारे हाथ में बॉल लेके बोलते ना, ऐसे दबाओ तो खून जल्दी जल्दी आएगा, तो ये खून का इशारा था। तू इतना नहीं समझती। मैं नहीं समझी, लेकिन आपने बिल्कुल गलत समझा है वहिनी। वहिनी अंधश्रद्धा में पूरी तरह से डूब गई है आप। नींबू खराब होगा, आपने दूसरा ट्राई किया, ये लीजिए ये लीजिए। बाबा का श्राप खाने के हर चीज पे लगने लगा है। देखिए वहिनी, वहिनी आप शांत रहिए। देखिए मैं अभी आपके अंधश्रद्धा को दूर कर देती। जूस बना रही थी ना, ये देखिए अब मैं काटती। ये देखिए ऐसा कैसे हो सकता है? पापा नाराज हो गए, तू समझ नहीं रही है। और करो उनका अनादर, और करो। वहिनी आप बात को कहां से कहां लेके जा रही है? अब अन्ना मुझे डांटे या काटे, लेकिन मैं बाबा के लिए प्रसाद पहले बनाऊंगी। मुझे क्षमा कर देना बाबा, जो मैंने आपका अनादर किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके लिए डबल प्रसाद बनाऊंगी। हाँ डबल प्रसाद, ये देखिए। देखा, रोज एक से चार दुकान चालू रखने वाले आपके छोटा भाऊ सुबह 12 बजे दुकान बंद करके चले गए। क्यों? क्योंकि दुकान का सारा माल बिक गया। हाँ, और यहाँ हमारी दुकान बिकने की नौबत आ गई। मैं अभी भी कहता हूँ अन्ना, ये धरना वरना जो भी है ना, वो सब बहाना है, असली बात। बस 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 बस, अपना काम तो करता नहीं है और ज्ञान बांटते फिरता है। तुझे वकील ढूंढने को बोला था ना, क्या हुआ उसका? गया था ढूंढने, दिया लेके ढूंढने गया था, लेकिन आधे से ज्यादा वकील वो भरकमदार का नाम सुन के भाग गए, और बाकी के जो आधे बचे थे ना, वो हमारे केस की डिटेल सुन के भाग गए। ठीक है ठीक है, मैं अन्ना को लेके आता हूँ, लेकिन काम तो हो जाएगा ना? वाह वाह वाह, देख 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 उधर देख, इसने ढूंढ निकाला वकील। हाँ, कौन है? मेरी भारती की मौसी। वाह, वो वकील है? मुझे तो मालूम ही नहीं था। नहीं, वो एक बंगाली को जानती है। बंगाली वकील? उसमें क्या हो गया? बंगाली वकील है तो क्या हो गया? बंगाल पहले महाराष्ट्र का ही हिस्सा था, समझा ना तू? नहीं अन्ना, वो बंगाली बाबा को जानती है। वो बंगाली बाबा आपके हाथ में एक तावीज बांधेंगे ना, तो आप केस यूं यूं जीत जाएंगे। प्रभाकर पेंडिया, तू भी है ना, भारती की संगत में रह के अंधश्रद्धालु हो गया है। मुझे लगा वकील ढूंढ निकाला तूने। अन्ना ये देखो, मैं वकील लेके आया।
देखो सीखो सीखो मेरे बच्चे मेरे बाप मेरे लाडले आमोल से सीखो दोनों। आमोल बड़ा अप्रतिम काम किया है तूने। अच्छा किधर बैठते किधर है ये वकील साहब? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ना हाई कोर्ट, उसके बाहर वो शकील है ना टाइपिंग वाला, उसका भाई है ये। शकील का भाई वकील। आधार कार्ड दिखा। अरे बस 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 बस, तू क्या निकल रहा है कार्ड में? अमोल ऐसे नाम उपनाम वाले वकील को नहीं ढूंढना है हमें, सचमुच का वकील ढूंढना है, कोर्ट में केस लड़ने वाला, समझा? कोर्ट में केस लड़ने वाला वकील चाहिए? हाँ। लेकिन ये तो आपने पहले नहीं बोला था। ठीक है तो अभी है ना मैं अपने छाती पे पाटिया लगा के घूमता हूँ कि मुझे कोर्ट में केस लड़ने वाला वकील चाहिए। बात नहीं नहीं अभी मैं समझ गया, लेकिन मुझे पहले ही बोलते तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता ना। चलो भाई। हाँ परमेश्वरा, मन तो करता है तुम पे ही केस कर दूं। क्या एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक नालायक पैदा किए हैं मेरे घर में। अब तो बस एक ही आशा बची है, अगर कोई कुछ कर सकता है तो मेरा राम, मेरा अभिषेक ही कुछ कर सकता है। वो राधा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया तो तुमने मना क्यों कर दिया? अब वो बेचारी राधा टूटकर आधा हो जाएगी। यहाँ इतना टेंशन बढ़ रहा है और तुम्हें मजाक सोच रहा है गायत्री? तभी तो बोल रही हूँ, चले जाओ उसके पास, वो तुम्हारा सारा टेंशन दूर कर देगी। वो तो ऐसा बोल रही थी गायत्री, फिर भी मैं नहीं गया, क्योंकि भले वो मेरा टेंशन दूर करती लेकिन इसमें तुम्हारा टेंशन बढ़ता गायत्री। देखो 100 साल जिएगी, उसका ही फोन है। तुमने उसका नंबर क्यों सेव किया? स्पीकर पे रखो, स्पीकर पे रखो, मुझे सुनना है ये क्या बोल रही है। गायत्री स्पीकर, गायत्री गायत्री। हेलो। बड़े बेरहम हो अभिषेक, नंबर सेव करके रखा है फिर भी अजनबियों की तरह बात करते हो। हाँ राधा बोलो, वैसे भी तो बोल सकते हो ना। हाँ राधा जी बोलिए। वही तो प्रॉब्लम है अभिषेक, मैं बोलती हूँ पर तुम सुनते कहाँ हो? देखा नतीजा, बढ़ गई ना प्रॉब्लम। राधा जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये अभिषेक, यकीन मानो सिर्फ मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल सकती हूँ। प्रॉब्लम क्या है मुझसे मिलने में? अच्छा ठीक है, अकेले नहीं मिलना है, गायत्री को भी साथ में लेके आओ। बल्कि सच पूछो तो मुझे गायत्री से ही मिलना है। राधा जी आपको गायत्री से क्यों मिलना है? फिर वही सवाल, ऑफ कोर्स तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। राधा जी क्या आप यहाँ आ सकती हो गायत्री के घर? अभी आती हूँ। ये मुझसे क्यों मिलना चाहती है? वो तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। अन्ना अन्ना, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, दीजिए शाबाशी। बहुत बड़ा वकील मिल गया क्या? वकील वकील को मारिए गोली, क्यों भारी भरकम फीस चुकानी है वकीलों की? मेरे दिमाग में धासू आइडिया आया है, जो सुन के ये जो धरना कर रहे हैं ना वो लोग डर के वहां बांध जाएंगे। वो लोग धरना देके हमें डरा रहे हैं ना, अब हम उन्हें डराएंगे। अरे बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे आता है डराना, जानवरों की आवाज निकालना जानता हूं ना, शेर। अन्ना अन्ना इस बार शेर की आवाज की जरूरत नहीं है, इस बार जरूरत है लोमड़ी जैसे चालाक दिमाग की, जो आपके आशीर्वाद से पूरे घर में सिर्फ मेरे पास है। आइडिया सुनिए, आपको जाके सिर्फ उनसे ये कहना है कि आज शाम तक अगर वो लोग महादेव पेट छोड़ के नहीं गए तो आप आत्महत्या कर लेंगे। मैं आत्महत्या? रुक मेरी चप्पल किधर है? अन्ना 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 अन्ना, सचमुच की आत्महत्या करने नहीं बोल रहा हूँ, झूठ मूठ की आत्महत्या, उनको डराने के लिए। सोचिए जैसे उनको पता चलेगा कि पूरे शहर के सम्मानी माननीय आदरणीय प्रतिष्ठित अन्ना साहब गोखले की आत्महत्या का आरोप उनके सर आएगा तो ये सोच के तो वो लोग डर के मारे भाग जाएंगे ना।
और डर के भागे बिगे नहीं तो? तो आप आत्महत्या करके डराना। मैं सचमुच के आत्मा? नहीं 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 अन्ना 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 नहीं नहीं नहीं, झूठ मूठ की आत्महत्या अन्ना। आप प्लान सुनिए, देखिए आप झूठ मूठ के मर जाना, मैं मार्केट से नकली वाला जहर लाऊंगा, आप असली में पी जाना, फिर आपकी लाश की जगह आपका नकली वाला पुतला मैं जलाऊंगा, सारी अरेंजमेंट मैं करूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, आप दूसरे शहर में सटक जाना बस, फिर आपके इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करूंगा, वो पैसे आते ही ये वाड़ा और दुकान बेच के हम आपके पास आ जाएंगे। नया शहर नई शुरुआत। और अन्ना तीन दुकान खोलेंगे, ठीक है, दो छोटी वाली प्रभाकर दादा और अभिषेक के लिए, और एक बड़ी वाली मेरे लिए, क्योंकि आइडिया मेरा है ना, इसीलिए। अप्रतिम सुझाव है, अप्रतिम, एकदम शाबाशी के योग्य। मुझसे आत्महत्या करवाएगा तू? हाँ मुझसे आत्महत्या करवाएगा, हमेशा मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है तू, स्वार्थी कहीं का पाकर तू ने खाई। हमें चप्पल से हाथ टूट गया। आत्महत्या करवाएगा? तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है उससे मैं छुटकारा दिला दूंगी हमेशा के लिए, लेकिन लेकिन कैसे? वो मैं कैसे भी करवा लूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी। नहीं नहीं, कल को तुम धरने पर बैठे लोगों पर बुलडोजर चला दोगी तो फंसेंगे तो हम लोग ना, लोग तो बोलेंगे कि हमने सुपारी दी। गायत्री राधा जी ऐसा नहीं करेंगे, तुम उनकी बात तो सुनो। अभिषेक मेरे मन की बात समझता है? नहीं कुछ नहीं समझता, वो कुछ नहीं समझता, आपको जो समझाना है मुझे समझाइए, आप हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे। आगे बदले में मुझे अभिषेक से नहीं तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, जो भी मैं मांगूंगी तुम दोगी। चाय अच्छी है? लेकिन तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। उठो चल। गायत्री निकलो यहाँ से। गायत्री क्या कर रही हो तुम? तुम अभी बिल्कुल शांत रहो, मुझे पता है मुझसे क्या मांगना चाहती है, वो तुम्हें किसी जन्म में नहीं मिलेगा। फिर तो तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद चाहिए भी नहीं किसी को। तुम उठो यहाँ से, निकलो चलो चलो। गायत्री उठो, निकलो निकलो प्लीज। गायत्री चलो, गायत्री प्लीज चल। गायत्री तुमने बिल्कुल सही किया, मैंने, मुझे पता है मुझसे क्या मांगने वाली थी, वो मुझसे तुम्हें मांगने वाली थी। गायत्री मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कीमती हूँ, मार्केट में मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं कि वो मुझे दिखता है उसकी आंखों में अभिषेक। तो उसके मुंह से तो सुनने दो एक बार, अगर उसने ऐसा कहा तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोल दूंगा। लेकिन अगर उसकी मनसा कुछ और हुई तो? देखो गायत्री, हमारी हेल्प करने में कोई नहीं है, बस एक बार उसके मुंह से सुनने दो प्लीज। ठीक है करो फोन से। हेलो। हेलो राधा जी, गायत्री को आपकी शर्त मंजूर है। अभिषेक तुमने बहुत देर कर दी कॉल करने में, मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, अब तुम्हें मेरे घर पे ही आना होगा। ठीक है आप अपना एड्रेस भेजिए प्लीज। ओके। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो एक मिनट, आप केस लड़ने वाले ही वकील हो ना? अरे कितनी बार बताऊं भाई तुमको, मैं बहुत ही प्रतिष्ठित डिवोर्स लॉयर हूं। तुम बताओ डिवोर्स किसको लेना है? डिवोर्स वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अन्ना को है ना केस लड़ने वाला वकील चाहिए। चलो मेरे अन्ना के पास। अन्ना ये देखिए मैं वकील लेके आया। वकील? नमस्ते। आपने बोला था ना आपको केस लड़ने वाला वकील चाहिए था ना, मैं लेके आया, देखो मस्त है ना। आपका नाम तो वकील नहीं है ना? नहीं मेरा नाम सदाशिव है और मैं पेशे से वकील हूँ। अरे वाह वाह शाबाश वाह शाबाश बड़ा शाबाश। तो वकील साहब
आप उस मुसीबत से मेरा पीछा छुड़वाएंगे ना? अरे मैंने बहुतों का पीछा यूं छुड़वाया है, आप अपनी मुसीबत का नाम बताएं। खड़ंग भूषण। खड़ंग भूषण, बड़ा विचित्र नाम है, इसीलिए पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं क्या? जिंदगी हराम कर दी है मेरी उसने, कोई वकील मेरा केस हाथ में लेने को तैयार नहीं है। अच्छा हुआ आपने हाँ बोल दी, आप छुड़वाएंगे ना पीछा उस मुसीबत से मेरा? आपकी व्यथा मैं समझ सकता हूँ, मेरी हालत भी ना आपके जैसी ही थी, मेरा केस भी ना कोई वकील हाथ में लेने को तैयार नहीं था, इसीलिए तो मैं वकील बना और अपना केस खुद लड़ा और अपनी मुसीबत से पीछा भी छुड़वाया। तो आपको भी खड़ंग भूषण की ही मुसीबत थी क्या? नहीं नहीं नहीं, उसका नाम तो सुशीला था। सुशीला बाबा? बस नाम ही सुशीला था, बाकी तो इतनी खतरनाक औरत थी ना, बड़ी मुश्किल से डिवोर्स पाया हूं मैं। पर आप टेंशन मत लें, इस खड़ंग भूषण नाम की पत्नी से ना आपका डिवोर्स तो मैं यूं करा दूंगा यूं। खड़ंग भूषण पत्नी? क्या क्या क्या, अरे जोचना है मेरी पत्नी और डिवोर्स नहीं डिवोर्स, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? अरे मैं डिवोर्स लॉयर हूँ तो डिवोर्स ही करवाऊंगा ना। बुद्धि सागर, डिवोर्स लॉयर लेके आया तू? अरे मुझे खड़ंग भूषण बाबा के सामने केस लड़ने के लिए वकील चाहिए था। लेकिन आपने ऐसा नहीं बोला था। ठीक है अभी मैं बस अभी तुझे कोई भी लॉयर बियर लाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ धन्यवाद, क्षमा करना वकील साहब, मेरा थोड़ा भोला भंडारी है तो इसलिए थोड़ा गैर समझ हो गया। मैं हूँ भोला भंडारी, चलो। हाय गो, तुमने मुझे धक्के देके निकाल दिया था गायत्री। तुमने बात ही ऐसे की थी। मैं यहाँ भी वही बात करने वाली हूँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा था, मुझे पहली नजर में ही अभिषेक से प्यार हो गया था। पहले आप मुझे ये बताओ कि वो धरने वालों को आप कैसे हटाओगे? अभिषेक, दुनिया में हर मर्ज की एक ही दवा है और वो है पैसा। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मेरा प्यार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वाड़े से भी नहीं। गायत्री मैं जानती हूँ अन्ना के लिए वाड़ा क्या अहमियत रखता है और तुम्हारे लिए अन्ना। तुम बस मुझे एक कागज पे इतना लिख के दे दो कि तुम अभिषेक को तलाक दे दोगी और मेरी उससे शादी करने में हेल्प करोगी। गायत्री, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, वाड़े को आंच भी नहीं आने दूंगी। नहीं, काश ये बात फिर से तुमने मेरे घर पर ही कही होती। गायत्री, मुझे ना तुमसे बहुत डर लगता है, इसलिए इस बार मैंने अपने घर को चुना। चलो यहां से। गायत्री एक मिनट, गायत्री प्लीज प्लीज साइन कर दो। तुमने कहा था कि तुम खुद ही उसे मना कर दोगे और अब मुझे मनाने चले आए। तुम मुझे तलाक दोगी तो क्या मैं उससे शादी करूंगा? हमें सिर्फ नाटक करना है। मुझसे नाटक भी नहीं होगा, तुम्हें रहना है ना तो रहो यहाँ हमेशा के लिए, मैं जाती हूँ। गायत्री इस लड़की का मकसद कुछ और ही है, और क्या हो सकता है, जानने का और कोई रास्ता नहीं है। मुझे गायत्री को किसी तरह इसकी बात मानने के लिए कन्विंस करना ही होगा। दुनिया की रानी रहे, हम ची बाकर बड़ी।